शुक्र एरवार को खत्म नाउ होने दिस इज रिलेवेंट. यू आर अननेसेसरली रीडिंग दोज थिंग्स व्हिच हैज नो रिलेवेंस टू द. यही समझ में नहीं आ रहा है. ऑन द लास्ट स्लाइड यू आर आर्ग्यूइंग दिस केस फॉर दिस हाई कोर्ट और यू आर आर्ग्यूइंग दिस केस टू इम्प्रेस समबडी एल्स. अगर आप ये सब करेंगे, नहीं आप ये सब करेंगे तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि लाइव स्ट्रीमिंग के चलते हुए आप लोग सिर्फ क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए निरर्थक बहस करते हैं. आई विल राइट दिस. मेरे तर्क से ऐसा लग रहा है कि ये मैं पब्लिसिटी के लिए कर रहा हूँ, तो मैं तो निवेदन करूंगा कि आप इसको लाइव स्ट्रीमिंग को भी बंद कर दें. तो मेरे हाथ में नहीं है. वो तो एज एन इंस्टीट्यूशन हैज स्टार्टेड दिस. आई बो डाउन माय लॉर्ड. आई नो दैट आई एम नॉट अबव द इंस्टीट्यूशन. ठीक है, आई एग्री माय लॉर्ड. वंस इंस्टीट्यूशन हैज स्टार्टेड समथिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द क्लाइंट्स. May I please your lordship? This is the first bail application for the applicant Rajkumar Patel. Second लिखा हुआ है. Cause list में क्या बात है? Cause list में second कैसे लिखा है? So criminal appeal first है, but earlier first is dismissed मारो. Second appeal है ना? No, it's a first appeal and earlier co-accused referred bail application which was withdrawn. अच्छा. मेरी तो फर्स्ट ही है. इसमें से बताइए प्लीज. माय लॉर्ड, मैं काइंडली अप्रिशिएट द एफआईआर कंटेंट्स ऑफ द एफआईआर. दो द प्रोसिक्यूशन विटनेसेस हैव बीन एग्जामिन्ड, आई हैव फाइल्ड द स्टेटमेंट टेस्टिमनी ऑफ द प्रोसिक्यूशन विटनेस ऑन 9/11/2022 वाइट डॉक्यूमेंट नंबर 9920. बट माय लॉर्ड, फर्स्टली आई वुड लाइक टू टेक माय लॉर्ड्स टू द कंटेंट्स ऑफ द एफआईआर. माय लॉर्ड, प्लीज पढ़िए. माय लॉर्ड, on 6/12/2021 disease went missing on 9/12/2021 the dead body 6/12 bola 6/12/2021 my lord disease went missing my lord. Disease ka naam kya hai? Disease lordship name is that nimya lallu ahirwar. Lallu ahirwar lordship. Lallu ahirwar lordship went missing and his dead body was found on 9/12/2021 at Karunala. जी. Now my lords, the on 9/12/2021 जी. The intimation was made before the police station Simaria district Panna जी. Whereby Dehati analysis was recorded and thereafter the FIR was registered जी. In the name of unknown person my lords जी. I am reading the contents of the FIR my lords. Kindly see जी. Appreciate my lords. मैं रमेश कुमार गुप्ता चौकी मोहन्द्रा में कार्यवाहक स्वयंसेवक पद पर पदस्थ हूँ. आज दिनांक 9/12/21 को चौकी प्रभारी महोदय स्वयंसेवक के द्वारा देहाती नालसी अपराध क्रमांक 0/2021 धारा 302 ताही के थाना पर असल अपराध पर कायमी करने हेतु देकर भेजा था. देहाती नालसी पेश करता हूँ. कायमी की जाए नकल देहाती नालसी हस्व जेल है. स्वयंसेवक क्रमांक की ताही नाम पता फरियादी निमिया अहरवार वाइफ ऑफ लल्लू अहरवार एज 40 इयर्स मोहन्द्रा थाना सिमरिया जिला पन्ना. दिनांक समय घटना 6/12/21 के सुबह 4 बजे से 9/12/21 के 14 बजे के बीच घटना स्थल करऊ नाला रेपोरा रोड के पास ग्राम मोहन्द्रा थाना सिमरिया जिला पन्ना मध्य प्रदेश दिशा और दूरी थाना सिमरिया से 12 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा. दिनांक समय कायमी 9/12/21 के 14:30 बजे देहाती नाल से लेख करने का स्थान घटना स्थल करो नाला पुलिस कैंप स्वयंसो. आरोपी अज्ञात नाम विवेचक एवं नालसी लीक करता. क्या बताना क्या चाह रहे माय लॉर्ड्स? द वर्जन ऑफ द एफआईआर हैज बीन कंप्लीटली टर्नड बाय. व्हाट इज द वर्जन? रीड द क्रक्स ऑफ द मैटर. माय लॉर्ड, आई एम रीडिंग. यू आर ट्राइंग टू इंप्रेस समबडी बिकॉज़ इफ देयर इज अ लाइव स्ट्रीमिंग. नो नो माय लॉर्ड, देन यू आर सपोज्ड टू रीड द क्रक्स ऑफ द मैटर. यू आर वेस्टिंग टाइम. आई एम सॉरी माय लॉर्ड. माय लॉर्ड, ऑन 5/12/21 को दिन रविवार को शाम को 5 बजे मेरे घर पर रज्जू उर्फ राजकुमार पटेल अपनी मोटरसाइकिल से रज्जू उर्फ राजकुमार धोबी के साथ आए थे. मेरा पति लल्लू घर पर था. तीनों लोग मिलकर बातचीत करने लगे. इसके बाद रज्जू पटेल मुर्गा एवं दारू लेकर मेरे घर पर आए थे. मेरे पति लल्लू को एक डंडा मार दिए थे. मालूम में काइंडली अप्रिशिएट डंडा मार दिए थे. फिर रात में तीनों लोग मेरे घर पर सो गए थे. सुबह दिनांक 6/12/21 को सुबह 4 बजे रज्जू पटेल रज्जू धोबी एवं मेरा पति लल्लू तीनों लोग मोटर साइकिल से चले गए. दिनांक 6/12/21 को जब मेरे से पति लल्लू रज्जू और रज्जे के साथ गए फिर लौट कर नहीं आए. लल्लू की तलाश और हम लोग करते रहे. फिर दिनांक 8/12/21 को रात में चौकी रिपोर्ट किया. आज दिनांक 9/12/21 को पता चला कि मेरे पति की लाश
करावनाला में पड़ी है. नाउ माय लॉर्ड, मे काइंडली अप्रिशिएट द स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड बिफोर द ट्रायल कोर्ट. माय लॉर्ड, आई फाइल्ड द टेस्टिमनी दैट इज द दिस वाइफ ऑफ द डिजीज PW1. माय लॉर्ड, नेम योर वाइफ. Firstly, my lord, sir, kindly appreciate page 4, paragraph 6 of the chief, my lord. पढ़िए please. मेरे पति का नाम लल्लू है. मेरे पति के असल पिता का नाम सुकड़ अहरवार था. मेरे सास का नाम डरी भाई अहरवार है. मेरे सास डरी भाई ने मेरे ससुर सुकड़ अहरवार को खत्म होने. This is relevant. My lord, you are unnecessarily reading those things which has no relevance to the. यही समझ में नहीं आ रहा है. ऑन द लास्ट स्लाइड यू आर आर्ग्यूइंग दिस केस फॉर दिस हाई कोर्ट और यू आर आर्ग्यूइंग दिस केस टू इंप्रेस समबडी एल्स. नो नो माय लॉर्ड, दैट इज नॉट द केस हियर. माय लॉर्ड, इसका क्या रिलेवेंस है? अभी आप आई डेमोंस्ट्रेट अभी आपने याची नालची पढ़ी माय लॉर्ड, जिसमें कि इनकी पत्नी ने बताया कि रात को वो आए थे, दारू मुर्गा लेकर आए थे, एक डंडा मारा, फिर रात को सोए, 5 तारीख को चले गए, ठीक है, 8 तारीख को जो है रिपोर्ट लिखाई, 9 तारीख को लाश मिली. उसका रिलेवेंट पढ़िए आप, उसका क्या बताना चाह रहे हैं? अगर आप ये सब करेंगे, नहीं आप ये सब करेंगे तो मुझे लिखाना पड़ेगा कि लाइव स्ट्रीमिंग के चलते हुए आप लोग सिर्फ क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए निरर्थक बहस करते हैं. आई विल राइट दिस, आई विल नोट दिस इन द ऑर्डर शीट. आई बाउ डाउन माय लॉर्ड्स, एंड माय हंबल सबमिशन इज that my lord, in all the cases there is no cut short criteria to draw adverse inference. My lord, my case is based on this. Mr. Fakhru, my lord, I'll give you complete indulgence. I'm not curtailing your time, my lord, but I'm just requesting you, my lord, not to advance, my lord, those arguments which have no relevance. आप पैरा 6 पढ़ रहे हैं. पैरा 6 में उसकी सास ने क्या किया, किससे शादी की, how it is relevant? On the last line, my lord, she stated that whatever she has stated before the police has written that, my lord. उतना पढ़िए. My lord, मैं kindly appreciate the cross examination. जी पढ़िए. पैरा 8. यह सही है कि मैं अपने पति को 3 दिन तक ढूंढती रही, लेकिन 3 दिन तक पता नहीं चला. साक्षी ने स्वतः कहा कि मैं आरोपी गढ़ के घर पर अपने पति को पता करने गई थी. यह बात सही कि मैं 4 दिन पुलिस चौकी मोहंद्रा में जानकारी देने गई थी. चौथे दिन मोहंद्रा चौकी शाम के वक्त गई थी. साक्षी ने स्वयं कहा कि जब मैं चौथे दिन मोहंद्रा चौकी जानकारी देने गई थी, तब मेरी रिपोर्ट पुलिस वालों ने नहीं लिखी थी. यह कहना सही है कि जब मेरे पति 3 दिन तक नहीं मिले, चौथे दिन रिपोर्ट करने गई. महिला अधिकारी स्वयंसो को यह बात लिखाते समय बता दी थी, उन्होंने भी यह बात नहीं लिखी थी. यह कहना सही कि पति की लाश मिलने के बाद रिपोर्ट लेक की गई थी. यह कहना सही कि सबसे पहले मेरे पति लल्लू की मृत्यु की खबर मुझे ही मिली थी, तब मैंने पुलिस को खबर दी थी. फर्दर पैरा 9, माय लॉर्ड्स, आई एम रीडिंग सेकंड लाइन. माय लॉर्ड, जब मेरे पति की लाश 3 दिन तक नहीं मिली, जब मैं चौथे दिन रिपोर्ट करने गई थी, मेरी रिपोर्ट नहीं लिखाई थी. उक्त बात P3 में क्यों नहीं लिखी, इसका कारण मैं नहीं बता सकती. मुझे चौथे दिन पति की लाश करुणाला, मेरे पति लल्लू की मृत्यु की खबर मुझे ही मिली थी, तब मैंने पुलिस को खबर दी थी. फर्दर पैरा 9, माय लॉर्ड्स, आई एम रीडिंग सेकंड लाइन. माय लॉर्ड, जब मेरे पति की लाश 3 दिन तक नहीं मिली, जब मैं चौथे दिन रिपोर्ट करने गई थी, मेरी रिपोर्ट नहीं लिखाई थी. उक्त बात P3 में क्यों नहीं लिखी, इसका कारण मैं नहीं बता सकती. मुझे चौथे दिन पति की लाश करुणाला में मिली थी, इसकी सूचना मैंने पुलिस को दी थी. यह बात प्रदर्श पी देहाती नालसी में लिखा दी थी. उपरोक्त तथ्य सभी बातें प्रदर्श पी D1 के पुलिस कथन में भी मैंने बता दी थी. यदि नहीं लिखी तो मैं इसका कारण नहीं बता सकती. यह सही कि पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी और बयान लिखे थे. फर्दर मालोट्स, में काइंडली अप्रिशिएट पैरा 10. मालोट्स, आई एम रीडिंग सेकंड लाइन. साक्षी ने स्वयं कहा, अभियुक्त गण रात को 10 बजे मेरे घर से चले गए थे. Whereas in FIR it is stated that the abhyukt gan was stayed in her house at throughout the night. That is minor contradiction. Malod, सुबह 4 से 5 बजे मेरे घर दोनों आरोपी गण अभियुक्त गण दोबारा आए थे. दोनों अभियुक्त गण रात में 10 बजे मेरे घर से चले गए थे. सुबह 5 बजे पुनः मेरे घर पर. यह बात अपने देहाती नालसी प्रदर्श P3 में पुलिस कथन के स्वयंसो में लिखा दिया था. यदि लेख ना हो तो इसका कारण नहीं बता सकती. यह कहना सही कि मेरे पति को रात्रि में डंडा किसने मारा था, मैंने मारते हुए नहीं देखा था. डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्शन. मलोट, स्वतः कहा कि गाली गलौज कर रहे थे और हाथ में डंडा लिए थे. यह कहना गलत है कि यह भी नहीं बता सकती कि डंडा कौन लिए था. स्वतः कहा कि डंडा राजकुमार पटेल लिए थे. राजकुमार ने मेरे पति को डंडा मारने की कोशिश की थी तो मेरे लड़के अमन ने डंडे को पकड़ लिया था. उक्त बात प्रदर्श P3 में पुलिस कथन प्रदर्श 1 में लिखा दी थी. यदि लेख ना हो तो इसका कारण नहीं बता सकती. फर्दर मलोट, पैरा 11, लास्ट 2 लाइन्स. मलोट, मैंने रिपोर्ट एवं पुलिस कथन में लिखा दी थी. यदि लेख ना हो तो इसका कारण मैं भी नहीं बता सकती. स्वतः कहा कि मैं पढ़ू, मैं प्रक्रिया के बारे में नहीं समझती. फर्दर पैरा 12, माय लॉर्ड, सेकंड लाइन्स. माय लॉर्ड, ये कहना सही कि मेरे पति लल्लू ने मृत्यु के करीब 3 माह पूर्व मोहंद्रा में मकान की RCC बनाने का ठेका अशोक चौरसिया का लिया था. यह कहना सही कि अशोक चौरसिया के मकान लेंटर डालने का ठेका मेरे पति द्वारा अभियुक्त रज्जू उर्फ राजकुमार पटेल को दिया था. यह कहना सही है कि मेरे पति भी मकान बनाने की कारीगरी करते थे और अभियुक्त रज्जू
राजकुमार भी मकान बनाने की कारीगरी का कार्य करते हैं। नाउ माय लॉर्ड्स, मैं गाइडली सीधी नेक्स्ट पेज 7। यह कहना सही है कि चौरसिया के लेंटर के यहाँ लेंटर डालने का ठेका के बाद भी मेरे और मेरे पति का मकान में प्लास्टर आदि के कार्य मजदूरी की थी। फर्दर माय लॉर्ड्स, पैरा 13, मेरे पति केवल छत बनाने का ठेका 20,000 रुपए में लिए थे। यह कहना सही कि अभियुक्त रज्जू उर्फ राजकुमार पटेल, क्या रिलेवेंस है फखरुद्दीन सर? रिलेवेंस विल कम माय लॉर्ड्स डायरेक्टली, आई विल पॉइंट आउट पैरा 14 माय लॉर्ड्स। यह कहना सही है कि दिनांक 28/10/21 को रज्जू पटेल अपने चचेरे भाई बकत लाल पटेल के यहाँ छपाई करते वक्त चहली से गिर पड़ा था। मुझे जानकारी नहीं कि अमानगंज अस्पताल से रज्जू पटेल को इलाज के लिए कटनी अस्पताल में रेफर किया गया था। यह बात सही है कि रज्जू पटेल के पैर में पक्का प्लास्टर बंधा था। मुझे नहीं मालूम कि रज्जू पटेल को कितने दिन का प्लास्टर बंधा था। यह सही है कि जब पुलिस ने रज्जू पटेल को गिरफ्तार किया था तो मैंने पुलिस चौकी में आरोपी रज्जू पटेल को प्लास्टर बंधे हुए देखा था। मुझे नहीं मालूम अभियुक्त रज्जू उर्फ राजकुमार पटेल का प्लास्टर जेल में कटवाया था गया था। यह बात सही कि मुझे सबसे पहले पति की लाश का पता चला, फिर पुलिस को खबर दी। पुलिस मौके पर पहुंची, उसके बाद हमें पुलिस चौकी मोहंद्रा लेवा गई। फिर वहां पर पुलिस ने कागजों पर अंगूठा लगवाए थे। यह कहना गलत है कि मेरे पति की हत्या में स्वयंसेवकों का हाथ नहीं था। यह कहना सही कि मेरे सामने अभियुक्त रज्जू और राजकुमार पटेल ने मेरे पति की हत्या नहीं की थी। साक्षी ने स्वतः कहा कि अभियुक्त मेरे घर से मेरे पति अपने साथ में लेवाकर ले गए थे। बांके महाराज ने मुझे बताया था कि तुम्हारे पति की लाश करूं नाले में पड़ी है। फिर कहा कि मेरे घर बताने आए थे, जेठ माह में बांके महाराज की मृत्यु हो गई थी। मालोट्स, माय हम्बल सबमिशन इज दैट मालोट्स, द एप्लीकेंट वाज इंजर्ड एट द रेलेवेंट पॉइंट ऑफ टाइम। ही गॉट फ्रैक्चर ड्यू टू एक्सीडेंट मालोट्स, दैट इज ऑन रिकॉर्ड मालोट्स इन पैरा 14। Prosecution witness has clearly admitted this fact, my lord. And whereas my lord, the police at the time of arrest, in my lord, may kindly appreciate arrest memo, my lord. Arrest memo clause 9, my lord. जहाँ चोट का निशान वाला कॉलम है उसमें ब्लैंक छोड़ा है, कोई इंजरी नहीं, कोई चोट नहीं। How is that possible? आप अर्थात ये सबसे पूछिएगा क्रॉस एग्जामिनेशन में, आईओ साहब से पूछिएगा, मुझे क्यों बता रहे हैं आप? ये बात तो आप आईओ साहब से पूछेंगे कि उन्होंने जब जो है वो लहजा किया इसको गिरफ्तार करने के बाद में, तो इसको कॉलम को ब्लैंक क्यों छोड़ा? How is this relevant for the purposes of grant of bail? सर दो पैरा और पढ़िए सर, आप दो नहीं 10 पैराग्राफ पढ़िए, उसके लिए नहीं रोक रहे सर। जो आप बीच में ये जो देते हैं ना एक्स्ट्रा धुन और तान, उसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। अगर आईओ ने नहीं लिखा तो आईओ से पूछिएगा जाकर। For the purpose of bail, my lord, my submission is that my lord, the present applicant was not present on the spot, my lord, and this has fact has been clearly admitted by the PW1, my lord. And further, my lord, PW1, my lord, in para 21 of the cross examination clearly admitted that the applicant was having no previous enmity, my lord. There was no motive for me to commit murder, my lord. Entire case is based upon the circumstantial evidence, on the concept of last seen theory, on the and the Supreme Court in many judgment have clearly. खुद ही सजेशन दे दिया उसको एनिमिटी का, आपके वकील साहब का क्रॉस करने की ब्यूटी तो देखिए, पैरा 16 पढ़िए। मालूम ये कहना गलत है, रज्जू पटेल ने मेरे घर आकर पति कल्लू से 20,000 रुपए की मांग करता था। मेरे पति के पैसे ना दिए जाने पर तेजी से विवाद हुआ था। आप खुद बता रहे हैं एनिमिटी की स्टोरी खुद डेवलप कर रहे हैं आप क्रॉस में, जो उसने कहा नहीं वो आप कहलवा रहे हैं अब उससे। चलिए पैरा 21 लॉर्डशिप, 20 तो पढ़ ले, 16 तो पढ़ ले पहले लॉर्डशिप। यह कहना गलत है कि मेरे पति लल्लू आरोपी रज्जू पटेल की माँ बहन की बुरी बुरी गाली देता था। यह कहना गलत है, पैसे नहीं देना है। यह कहना गलत है कि मेरे पति ने अभियुक्त रज्जू पटेल से कहा था कि जो करना हो कर लो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यह कहना गलत है कि मैं प्रारंभ से यह जानती हूँ कि आरोपी रज्जू पटेल निर्दोष है। यह कहना गलत है कि मैंने रंजिशी प्रभाव के कारण पुलिस से मिलकर झूठा प्रकरण बनवाया है। यह कहना गलत है, आज मैंने न्यायालय में आरोपी रज्जू पटेल के विरुद्ध झूठी गवाही दी है। यह कहना सही कि मेरे पति की रज्जू धोबी से पूर्व में कोई बुराई या लड़ाई झगड़ा नहीं था। मेरे पति रज्जू धोबी एक साथ मजदूरी करते रहे। मैं नहीं बता सकती रज्जू धोबी के मेरे पति से पूर्व में अच्छे संबंध थे या नहीं थे। स्वतः कहा रज्जू धोबी और राजकुमार पटेल मेरे घर कभी नहीं आए, केवल घटना दिनांक को आए थे। यह बात मैंने अपने रिपोर्ट एवं पुलिस कथन में बता दी थी, यदि लिखना हो तो इसका कारण नहीं बता सकती। पैरा 22 लास्ट फ्रॉम थर्ड लाइन मालूम। यह सही कि मेरे दामाद राकेश बाद में आए थे, स्वतः का जब पति की लाश मिली थी तो फोन करके बुलाया था। फर्दर मालूम लास्ट थ्री लाइन, ये कहना सही कि सिमरिया थाने में पुलिस वालों ने मेरे सामने एवं दामाद
राकेश एवं जेठ शंकर के सामने बताया था कि तुम्हारे पति को अभियुक्त रज्जू पटेल एवं रज्जू धोबी ने मारा है। जी एंड PW2 हैज बीन डिक्लेयर्ड होस्टाइल माय लॉर्ड एंड नथिंग कौन है PW2 दामाद ऑफ द डिजीज माय लॉर्ड होस्टाइल हो गए माय लॉर्ड जी नथिंग हैज स्टेटेड हैज कम आउट फ्रॉम अगेंस्ट मी माय लॉर्ड एंड PW3 इज द पर्सन हु रिकॉर्डेड द देहाती एनालिसिस माय लॉर्ड इन पैरा 3 क्लियरली स्टेटेड दैट माय लॉर्ड जैसा उसने वाइफ ने बताया था डिजीज की वैसे उसी तरीके से मैंने देहाती एनालिसिस रिकॉर्ड की है। इफ माय लॉर्ड मे काइंडली कंपेयर द वर्जन ऑफ द FIR देहाती एनालिसिस एंड द स्टेटमेंट माय लॉर्ड देयर आर डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्शन माय लॉर्ड ठीक एंड ही इज इन जेल सिंस लास्ट 1 ईयर माय लॉर्ड मतलब पूरी कहानी में मतलब कहीं ऐसा सस्पेंस नहीं है वो हमारे घर आया और हमारे घर से हमारे पति को लेके गया और दूसरे जहां इतना है मतलब पूरा पूरे प्रकरण में इतना लास्ट सीन की एविडेंस है लास्ट सीन और ये क्लियर उसने किया कि मेरे घर में आए और मेरे घर से यहां से लेके चले गए मेमोरेंडम ऑफ माय लॉर्ड को मैं माय लॉर्ड रज्जू उर्फ राजकुमार रजक मैं उपरोक्त पते पर रहता हूं एवं राजमिस्त्री का काम करता हूं मोहल्ले के रहने वाले लल्लू अहिरवार और रज्जू पटेल को मैं कई वर्षों से जानता हूं साथ में मिस्त्री का काम करते हैं दिनांक रविवार दिनांक 5/12/21 को रज्जू पटेल को पन्नू बसोर ने 9,000 रुपए मिले थे तो लल्लू ने बोला कि तेरे पास रुपया है तो दारू मुर्गा लेकर आ घर में बनाते खाते हैं रात्रि करीबन 7 बजे हम तीनों ने मिलकर लल्लू के घर में दारू मुर्गा की पार्टी मेरे तर्क से ऐसा लग रहा है कि ये मैं पब्लिसिटी के लिए कर रहा हूं तो मैं तो निवेदन करूंगा कि आप इसको लाइव स्ट्रीमिंग को भी बंद कर दें तो मेरे हाथ में नहीं है वो तो कोऑर्डिनेट बेंचेस ने भी किया हुआ है उन्होंने किया होगा आई डोंट नो आई एम नॉट आंसरेबल टू मेरा सर बट द थिंग इज दैट हाई कोर्ट as an institution has started this I bow down my I know that I am not above the institution I agree my once institution has started something for the benefit of the clients then that cannot be stopped I was by only making if once an order comes that this live streaming is no more required I close it immediately it is not my own volition to start this thing it's a decision of the institution Malod, and sir, then decision of the institution is supreme absolutely, that is to be discussed absolutely true my lord absolutely true I was only making submission my lord counsel for the appellant this criminal appeal under section 14-A of the prevention of scheduled castes and scheduled tribes act 1989 is filed on behalf of the appellant Rajkumar alias Rajju son of Shri Ram Sevak Patel full stop next where it is submitted that this is first appeal on behalf of the appellant Rajkumar Patel another appeal was filed on